हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रीजनिंग टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, कल भी हमने जो है कुछ 10 प्रश्न जो हमने दोस्तों कल किए थे, आज भी हम जो है दोस्तों इसमें 10 प्रश्न करेंगे। तो इन प्रश्नों को दोस्तों आपको आसानी से समझना है, इसी पैटर्न पर आपसे जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है गणित से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आज हमने जो आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर लेके आए हैं, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है यानी कि 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों 3:30 के बीच? तो सबसे पहले आपको कोण कोण दिया हुआ है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। तो इस प्रकार से अगर आपका प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, तो आपको किस प्रकार से इसे हल करना है, सबसे पहले तो आप कोण जान लीजिए एक बार। कोण होता क्या है? ये होता दोस्तों, यानी कि हमने यहाँ पर रेखा खींच दी, सीधी रेखा, और इसके जस्ट लंबवत रेखा यहाँ पर खींच दी। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो ये होता है दोस्तों, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो गोला होता है, जो सर्कल होता है, और कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है दोस्तों? पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, और यहाँ पर दूसरा खींच लेते हैं, इसके अलावा इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो यह कितना होता है 360 का आधा कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री का होता है। और बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये सीधी लाइन है, और यहाँ से यूँ, यहाँ से और यहाँ से जो यहाँ तक जो कोण होगा दोस्तों आपका कितना का होगा 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके कोण रहते हैं 360, 180, 90 डिग्री के आपके यहाँ पर कोण देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के बीच में दोस्तों आपके जो है 30 और 35 के कोण, 45, 40 यानी कि 1 से लेकर 90 तक दोस्तों आपके इसके बीच में देखने को मिलेगा, और 90 से लेकर 180 के तक आपको दोस्तों इसके बीच में देखने को मिलेगा, और 180 से फिर दोस्तों आपको यहाँ से 360 के बीच में सभी कोण देखने को मिलेंगे। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों इस प्रश्न के बारे में, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है यानी कि कोण से संबंधित। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, घड़ी के बारे में यदि दिया हुआ है, तो एक घंटे में घड़ी है दोस्तों, तो घड़ी में कितना होता है, एक घंटे में एक घंटा कितने बराबर, कितना मिनट का होता है दोस्तों? एक घंटा बराबर होता है कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है दोस्तों? 60 मिनट। यानी कि जब घड़ी एक घंटे में कितने है? जो मिनट की सुई है, पूरा एक घंटे में, ये यहाँ पर 12 है दोस्तों, यहाँ से जब घड़ी जब शुरू होती है यहाँ से मिनट की सुई, तो एक घंटे में यहाँ पर जब तक यहाँ पर क्रॉस करेगी दोस्तों, तो कितना हो जाता है पूरा एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट हो जाते हैं। यह जो है पूरा क्लॉकवाइज, पूरा जो है पूरा गोला बना देती है। तो जो हमने बात की थी दोस्तों, जो ये गोला होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 360 डिग्री का होता है। यहाँ तक आपने समझ लिया, तब बात करते हैं दोस्तों यानी कि 360, तो 60 मिनट बराबर कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री होता है। यानी कि एक घंटे में कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बात करें, तो अब बात निकालते हैं दोस्तों एक मिनट की। अगर हम एक मिनट का समय निकालेंगे यहाँ पर, अगर हम एक मिनट का समय निकालेंगे, एक मिनट में कितना कोण, कितने अंश का कोण होगा, तो एक मिनट बराबर क्या होगा यानी कि 360/60। अगर हम इसको काटेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 6×6=36 यानी कि बराबर 6। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा आपको घड़ी में, 6 डिग्री का आपको कोण देखने को मिलेगा। तो एक मिनट में दोस्तों आपका 6 डिग्री का कोण बनता है। तो यदि एक मिनट में आपका कितने का बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों सुइयों के बीच में मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच में 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, अगर 10 मिनट का पूछा जाए दोस्तों, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 मिनट अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो कितने डिग्री का बनेगा, 10×6, तो कितने का बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री का बनेगा। यदि पूछा जाए कि 30 मिनट में, यानी कि 30 मिनट में कितने का बनेगा, 30 मिनट में, तब आपको क्या करना है दोस्तों, तो 30 को जो है किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आता है, 6×3=18 यानी कि 180 डिग्री का आपका कोण यहाँ पर देखने को मिलेगा। 6×3=18, 180 का, 30 मिनट में कितने का बनेगा दोस्तों, 180 का बनेगा, 60 मिनट में कितने का बनेगा आपका, 360 का कोण आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न के बारे में। तो ये प्रश्न दिया है दोस्तों, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला। यह फॉर्मूला दोस्तों आपको नोट कर लेना है, यहीं से दोस्तों आप जो भी एग्जाम में प्रश्न आएगा यहीं से आप सबको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 11/2 × मिनट - 30 ×
एच, एच का मतलब है दोस्तों घंटे, एच का मतलब क्या है यहाँ पर, घंटे। तो इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है हम यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है दोस्तों सूत्र क्या है आपका, इस सूत्र को दोस्तों आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे कोण, कोण की बात करें दोस्तों, तो कोण का यह, कोण निकालने का यह फॉर्मूला है, कोण निकालने के लिए यह सूत्र आपका काम आएगा किसी भी प्रश्न में। तो बात करते हैं, तो इस सूत्र को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब इस प्रश्न में देख लेते हैं, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 3:30 में, तो हम छोटा सा यहाँ पर ये सूत्र लिख लेते हैं, 11/2 × मिनट माइनस 30 × आवर्स, आवर्स यानी कि घंटे। तो यहाँ पर एच का मतलब होता है दोस्तों आवर्स, आवर्स यानी कि घंटे, और MIN मतलब मिनट। तो क्या है दिया दोस्तों, यानी कि 3:30 पर घड़ी की दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों इन सभी की जो है वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, कितना पूछा इसने 3:30 पर। तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कैसे करना है आपको, आपको क्या करना है सेम इसी प्रकार से ये सूत्र उतारना है यहाँ पर, 11/2 × अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है मिनट, मिनट आपका कितना दिया है यहाँ पर, ये 30 दिया है, 3:30 पर 30 आपका यहाँ पर क्या दिया है, 3:30 पर जो 30 है दोस्तों वो आपका क्या है मिनट। तो आपको यहाँ पर 30 लिख देना है, और इसी प्रकार से फिर आपको माइनस करना है, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर जो सूत्र में दिया हुआ है 30, इसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, और फिर आपको क्या करना है दोस्तों गुणा करना है। फिर ये एच है दोस्तों, एच का अर्थ क्या होता है हावर्स, हावर्स यानी कि घंटा, घंटे क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर, घंटा आपको यहाँ पर 3 देखने को मिलेगा, 3 घंटा दिया हुआ है, घंटा कितना दिया दोस्तों 3, यानी कि 3 हमें यहाँ पर जो आपको दिया होगा। यदि यहाँ पर 4 दिया होता तो अब आपको यहाँ पर 4 लिखना होता, 5 दिया होता तो 5 लिखना होता, यहाँ पर 3 दिया है तो अब यहाँ पर आप 3 लिखोगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 30 कितना होता है दोस्तों 90, 90 हो गया दोस्तों। अब माइनस करेंगे, अब दोस्तों जो है हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को आप सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, या तो आप इन दोनों की गुणा करके फिर उसके बाद भाग देख सकते हैं, या तो आप दोस्तों इसको पहले ही भाग दे सकते हैं। तो पहले ही भाग देंगे दोस्तों हम, तो पहले 11 पे भाग नहीं देंगे दोस्तों, किस पे देंगे हम 30 पे भाग देंगे। तो 30 पे अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यानी कि कितने से कटेगा 2 से, तो 15, 15 × 30 तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15 आएगा। अब बचा क्या दोस्तों आपका 11 × 15, तो आगे दोस्तों 11 × 15 − 90, तो 11 × 15 कितना होता दोस्तों, तो 11 की मल्टीप्लाई अगर आप 15 के साथ करते हो तो कितना होता है 15 दशाएं के कितना होता है दोस्तों, 15 × 10 कितना होता है 150, प्लस उसमें आपको 15 ऐड कर लेना है तो कितना होता है दोस्तों 165। तो कितना होता है, हम आगे से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 11 × 15 − 90 यही आया था ना दोस्तों, तो हमें सॉल्व करना है। तो 15 × 11 कितना होता है दोस्तों, बराबर कितना होता है 165, 165 − 90। तो 165 में से अगर हम 90 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचता है आपका, यानी कि आपका जो बचेगा 5 में से 5 और 16 में से 9 गया दोस्तों, तो कितना बचता है आपका यहाँ पर 7। तो आपका कितने अंश का कोण बनेगा दोस्तों, कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका जो है, कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री का दोस्तों आपको यहाँ पर कोण देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर, कौन सा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर D में आपको देखने को मिलेगा 75 डिग्री, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। यदि इसी प्रकार का सवाल यदि आपसे पूछा होता दोस्तों कि 7:30 पर जो है कितने अंश का कोण बनेगा, या आपसे दिया होता है कि 5:30 में, चलो 5:30 में देख लेते हैं कि कितने अंश का कोण बनेगा, तो आपको क्या करना है वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है दोस्तों, 11/2 × फिर मिनट में क्या लिखना था दोस्तों 30 माइनस, फिर यहाँ पर 30 × घंटे में क्या दिया हुआ है, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, आपको यहाँ पर 5 लिख देनी है, फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे, 5 × 3 = 15, यानी कि 30 × 5 कितना होता है दोस्तों 150, 150 माइनस, फिर आपको 2 से जो है 30 को काट देना है, तो कितनी बार जाएगा 15 × 11, तो सेम है दोस्तों कितना आएगा 11, 165 आएगा, 11 और 15 की गुणा करोगे आप तो 165 − 150, तो कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, यानी कि अगर आप 165 में से 150 घटाओगे तो आपका यहाँ पर 15 डिग्री का कोण देखने को मिलेगा, यानी कि 5:30 में जो है घड़ी तथा मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार दोस्तों आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले को जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यह भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट्स को RCTGPV लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर। तो उसी कूट भाषा में दोस्तों चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे, तो कैसा लिखा जाएगा दोस्तों चिल्ड्रन को, यह जो है दोस्तों आपका किससे कोडिंग से दिया हुआ सवाल है। तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी कोडिंग डी कोडिंग की जो हमने एक दो प्रश्न एक दो सीरीज की होगी उसमें आपको अच्छे से समझा रखा था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब की जो है जो पेरेंट्स को है यहाँ पर लिख देना है PARENTS। इसी के नीचे दोस्तों आपको क्या लिख देना है, इसी के नीचे आपको R, फिर A के नीचे आपको C लिख देना है, और R के नीचे दोस्तों आपको T लिख देना है, और E के नीचे आपको G लिख देना है। ए वाला लिख देना दोस्तों, ये वाला, क्योंकि पेरेंट्स के लिए यह दिया है तो आपको यही इसके नीचे उतारना है, यानी कि P के नीचे R, A के नीचे C, R के नीचे T, E के नीचे G, और N के नीचे दोस्तों आपको क्या लिखना है, N के नीचे P, और T के नीचे क्या लिखना दोस्तों आपको V, और S के नीचे आपको U लिखना है। U यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है, सबकी सबकी नंबरिंग डालनी है। P का नंबर कितना होता है, P का 16, P का 16 होता है, पी क्यू आर, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का कितना होता है दोस्तों 18 होता है। तो ए का कितना होता है दोस्तों, ए का होता है आपका 1, और सी का होता है आपका 3, R का होता है दोस्तों आपका 18, और T का होता है दोस्तों आपके T20। T का नंबर कितना होता है, 20 होता है। E का दोस्तों आपका 5 रहता है, G का आपका 7, N का आपका 14, P का आपका 16, T का आपका 20, और V का आपका कितना रहता है दोस्तों, UV। T का 20 रहता है, तो U का 21, और V का रहेगा दोस्तों आपका 22, और S का रहता है दोस्तों आपका ST। T से पहले S आता तो S का कितना रहेगा 19, और U का रहेगा दोस्तों आपका कितना 21। इस प्रकार से इसने लिखा है, तो हमें दोस्तों इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, या तो प्लस का होगा, या तो माइनस का होगा, या तो गुणा का होगा, या तो भाग का होगा, तो या तो जोड़ होगा, घटाना होगा। इस प्रकार से आपको इस इनमें रिलेशन ढूंढना होता है। तो इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले आप देख लो। तो इसमें क्या किया है इसने, इसमें जो दोस्तों इसने क्या कर रखा है, प्लस 2 ऐड कर रखा है, यानी कि 16 प्लस 2, 16 और 2 कितना होगा दोस्तों 18, और यहाँ भी दोस्तों प्लस 2 कर रखा है। एक पे अगर 2 जोड़ोगे तो 3, 3 पे आपका क्या आता है दोस्तों, सी आता है। उसी प्रकार 18 में अगर आप प्लस 2 करोगे तो कितना आता है, 20, 18 और 2 20, 20 में आपका क्या आता है दोस्तों, 20 में आपका टी आता है। तो ई में आपका दोस्तों 5 आता है, यहाँ पर इसने प्लस 2 कर रखा है, तो जी का क्या होता है 7, यानी कि 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 7 में आपका आता है जी। और एन का कितना होता है दोस्तों 14, यहाँ पर भी इसने प्लस 2 जोड़ रखा है, तो आपका 16, यहाँ पे भी प्लस 2 और यहाँ पे भी प्लस 2। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, जिस प्रकार से इसने यहाँ पर जो है इसमें जो ये दिया हुआ है दोस्तों PAR, इसमें जो दोस्तों ने इसने जो है सब में जो है प्लस 2 कर रखा है, तो हमने क्या करना है, जो चिल्ड्रंस है इसमें भी हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस 2 करना है। तो करते हैं दोस्तों चिल्ड्रंस में, तो चिल्ड्रंस लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे CH। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, CHILD RENN, इस प्रकार से। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनकी नंबरिंग डालनी है। हमने कहा था आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग डालनी है, तो नंबरिंग डाल देते हैं। सी का कितना होता है 3, एच का कितना होता है 8, आई का होता है 9, एल का होता है जम्मू और JKL, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का होता है दोस्तों 12, डी का होता है 4, आर का होता है, पी का 16, क्यू का 17, आर का होता है 18, ई का होता है 5, और एन का होता है दोस्तों आपका 14। तो आपको इन सब में 2 जोड़ना है, यहाँ पर भी आप प्लस 2 करोगे, यहाँ पर भी आप प्लस 2 करोगे, यहाँ पर भी आप प्लस 2 करोगे, प्लस 2। तो प्लस टू सब में करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाता है, सी में अगर 3 में अगर 2 जोड़ोगे तो आपका आता है यहाँ पर 5, 5 में आपका क्या आता है दोस्तों, आप 5 में आता है दोस्तों आपका ई, क्या आता है E5। और इसी प्रकार H में अगर आप 8 में अगर H में प्लस 2 करोगे तो 10 में कौन सा आता है दोस्तों, GHIJ, तब आता है आपका दोस्तों 10 में आता है आपका J। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर भी आप
अगर आई में प्लस टू करोगे तो 11 में क्या आएगा दोस्तों आपका के आएगा, और एल कितना है दोस्तों 12, अगर प्लस टू करोगे तो 14 में आपका एन आएगा, और डी का 4 है प्लस टू करोगे तो एफ फिक्स 6 में आपका एफ आएगा, और आर 18 है प्लस टू करोगे तो 20, 20 में क्या आएगा आपका टी, ई ई का कितना है दोस्तों 5 है प्लस टू करोगे तो कितना आएगा 7, 7 में आपके क्या आएगा दोस्तों G7, और N का कितना है 14 है प्लस टू करोगे 16, तो कितना आएगा 16 में क्या आएगा दोस्तों आपका P। तो ये है दोस्तों आपका चिल्ड्रंस। यहाँ पर अगर S दिया है तो S का कितना होता है दोस्तों, S का होता है PQRS, S का होता है 19, और 19 में प्लस दो करोगे तो कितना हुआ 21, 21 में क्या आता है दोस्तों आपका U आता है। तो ये है दोस्तों आपका आंसर EJKNFTGPU। तो क्या है दोस्तों आपका आंसर, ये आंसर आपको कहाँ दिख रहा है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में। तो यह है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपको बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा है दोस्तों आपका बी जो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यह है दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इस बात को दोस्तों आपको नोट कर लेना है, तो कौन सा है बी आपका इसमें राइट आंसर है। तो हमने जो आंसर निकाला दोस्तों ये निकाला था, हमने जो है चिल्ड्रंस लास्ट में एस ऐड किया था, वहाँ पर आपको एस ऐड करते हुए ऐड नहीं दिखेगा, आपको कहाँ तक दिखेगा चिल्ड्रन तक दिखेगा, एन तक दिखेगा। तो एन तक आपका दोस्तों यहाँ पर जी पी है, यही दोस्तों आपका राइट आंसर है जो कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। तो जूम आउट करके आप देख सकते हैं यह दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो बात करते हैं अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप एक बार समझ लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, यह जी भी दोस्तों आपको किससे संबंधित है, श्रृंखला से संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न आपको अगर देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनमें रिलेशन ढूंढना है। तो रिलेशन क्या होगा दोस्तों, इनमें यहाँ पर दिख रहा है आपको 1, 1, 3, 9, 6, 36, 10, 100, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या दिया दोस्तों 225। तो इसमें क्या कर रखा दोस्तों, इसमें कर रखा यानी कि इसमें जो है सब ने स्क्वायर कर रखा, सभी का दोस्तों इसमें जो है स्क्वायर कर रखा। कैसे, एक का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक का स्क्वायर आपको एक मिलेगा, और तीन का स्क्वायर दोस्तों आपको क्या कर रखा है, एक का स्क्वायर एक, तीन का स्क्वायर नौ, नौ कहाँ दिया दोस्तों यहाँ पर नौ, और छः का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 100 लिखा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 100 का स्क्वायर आपको करना है, 100 का नहीं दोस्तों आपको 10, तो 10 के बाद दोस्तों जो 225 लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 225 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, वह संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो 225 बात करें दोस्तों 13 भी नहीं होता, 14 का भी नहीं होता, 12 का भी नहीं होता, तो 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, 15, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4 है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये है दोस्तों श्रृंखला, इस प्रकार के प्रश्न आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसे एक बार आप समझ गए तो आप जो है सभी जो प्रश्न है आसानी से कर पाओगे, यानी कि अगर आपने श्रृंखला एक बार समझ ली दोस्तों तब जो है रीजनिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो है संख्या दी है, और अब हमने जो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क वाला है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर जो है संख्या ज्ञात करनी है कि अगला पद क्या आएगा। तो इसमें क्या कर रखा है दोस्तों, आप ध्यान देना है, जो अगर आपको इस प्रकार से संख्या दिखे, अगर आपको 3-4 लगातार 4 डिजिट वाली या 5 डिजिट वाली संख्या दिखे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है उसमें, इसमें जो है जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, अलग अलग जोड़ना है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर जो है 3, 6, 2, 4, अगर हम इसको काउंट करें तो कितना होता है दोस्तों, 4, 2, 6 और 6, 4, 10, 6 और 4, 10, 2, 12 और 3 कितना हो दोस्तों 15। तो पहले का कितना है दोस्तों, इसका 15 है, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे इसमें, और दूसरे भी जोड़ देते हैं दोस्तों, दूसरा कौन सा है 4, 3, 6, 3, इसको भी जोड़ देते हैं, यानी कि 6 और 6 और 3, 9 और 3, 12 और 4 कितना हुआ 16। ठीक है, पहले का 15 है, दूसरे का क्या है दोस्तों 16 है, तीसरे का क्या है, तीसरे का है 3, 6, 4, 4, तो 4 और 4, 8 और 6, 14 और 3, 17, तो तीसरे का दोस्तों 17 है। श्रृंखला कैसी जारी है, 15, 16, 17, यानी कि इन तीनों को जोड़ना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको जो है यूके पीएससी एग्जाम में
देखने को मिलेगा। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों, लेकिन आपको जो है इसने अवश्य ही घुमा दिया होगा। तो इसमें देख लेते हैं अगला जो आता है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, 4, 5, 6, 3। तो 4, 5, 6, 3 को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं 4, 5, 6, 3, तो कितना हुआ 3। 6, 3, 9, 5, 14 और 4, 18। इसका कितना हो दोस्तों, इसका यहाँ पर 18। अब आपका कौन सा बचता है, लास्ट वाला, ये वाला। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो 3, 6, 6, 4 इनको आपस में जोड़ना है, 6, 4, 10 और 6, 16 और 3, 19। इसका कितना हुआ जोड़ दोस्तों, 19। जोड़ के कितना हुआ 19, यानी कि इन सभी को दोस्तों आपको जो है आपस में जोड़ना है। तो पहले को आप जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। दूसरे को जोड़ के आपको दोस्तों 16 आ रहा है। तीसरे को जोड़ को आपको कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। और चौथे को अगर आप जोड़ोगे तो 18 आएगा। और पांचवे के आप इन सभी चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 19 आएगा। इसके बाद जो आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 20 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है चार संख्या, ए वाली चार संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका आंसर कितना है दोस्तों, 20, जिनको जोड़ के जो है 20 आए। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, ऑप्शन में हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ के जो है, जिन चारों को जोड़ के हमारा आंसर अगला जो पद आए कितना आए, 20 आए। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो पहले में देखते हैं दोस्तों, पहले में क्या है, 4 + 3 + 6 + 3, तो कितना हुआ, 6, 3, 9, 3, 12 और 4, 16। तो ये 16, ये भी नहीं है। दूसरा है दोस्तों 4 + 7 + 6 + 3, तो 6, 3, 9, 9, 4, 13 और 7 कितना हुआ दोस्तों, 20। यानी कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तीसरे में देख लेते हैं, हो सकता है तीसरे में भी हो सकता है, तीसरे में क्या है, 4 + 2 + 6 + 3, तो कितना दिया है, 6, 3, 9 और 2, 11 और 4 कितना हो दोस्तों, 15। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है, इसमें भी आपको जोड़ के 15 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। तो कितने आसान प्रश्न थे दोस्तों, आपको किस प्रकार से UKPSC में जो है घुमा दिया है। तो अगला जो प्रश्न आता है, दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आता है, यह है दोस्तों, यह किससे है, अंग्रेजी वर्णमाला से, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से इसका संबंध है। तो यहाँ पर दिया दोस्तों, ये शब्द दिया है, यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है, आपको ढूंढना है दोस्तों इन चारों में से ऐसा शब्द ढूंढना है जो इन सभी से मिलकर बने, यानी कि जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर वर्ण दिए हैं, अल्फाबेट दिए हैं, उन सभी से दोस्तों यहाँ पर यह शब्द बना होना चाहिए। तो आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले अगर हम ढूंढते हैं पहले वाले में देखते हैं कि क्या इसमें से यह शब्द बन रहा है। शब्द कैसे, इसमें आपका वी भी होना चाहिए, अगर ये शब्द है दोस्तों तो इसमें जो है जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं वही शब्द जो है इन चारों में होने चाहिए। अगर इन चारों में से किसी में भी यह शब्द नहीं है तो यह जो है इनका आंसर नहीं हो सकता। तो देखते हैं दोस्तों, तो इसमें पहले वाले में ढूंढते हैं, पहले वाले में क्या दिया है, ROSTEUM, तो यहाँ पर ये दिया है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वी यहाँ पर, तो आर देखते हैं दोस्तों, आर भी यहाँ पर दिया हुआ है, आर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ओ भी यहाँ पर दिया हुआ है, और एस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एस, और क्या है दोस्तों, टी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ई भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ई, और यू भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यू, और एम भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो यह दोस्तों जो है यहाँ पर यह शब्द बन रहा है, यह भी शब्द यहाँ पर आपका बन रहा है। तो अगला शब्द देख लेते हैं दोस्तों, तो यानी कि ये जो है इसका हो सकता आंसर हो सकता है, यह जो है राइट है। तो दूसरा भी देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ट्रेवर्सर, इसको TRAVERSER, यहाँ पर जो दोस्तों आपको कितने बार आर दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आर कितनी बार दिख रहा है दोस्तों आपको, 3 बार जो दोस्तों आपको यहाँ पर आर नजर आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, आर आपका 3 बार नजर आ रहा है, R, 2, 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन, यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आर है, यानी कि जो संख्या जो वर्ण यहाँ पर आपको दिए होंगे दोस्तों वही इन शब्द में होना चाहिए। तो यहाँ पर आर 3 बार है, इसलिए हमारे यह गलत हो जाता है। तो अगला आता है, अगला आपका यह आता है सेरमोन, सेरमोन में देख लेते हैं दोस्तों, SERMON, एस भी दिया हुआ है, एस ई भी दिया हुआ है,
आर भी दिया हुआ है, एस ई आर, एम भी दिया हुआ है, एम ओ एन, तो यह भी बनाया जा सकता है। तो यह भी जो है दोस्तों बनाया जा सकता है, यह भी जो है इसका आंसर हो सकता है, यह भी बनाया जा सकता है। और तीसरा है दोस्तों 17, 17 में दोस्तों आप देख रहे होंगे ई कितनी बार दिया है, ई जो है चार बार दिया हुआ है, तो चार बार दोस्तों आपको ई यहां पर देखने को मिलेगा। तो अब ऑप्शन में जो प्रश्न है उसमें देख लेते हैं क्या ई यहां पर चार बार दिया हुआ है। तो ई अगर बात कर दोस्तों तो यहां कितनी बार मिलेगा आपको देखने को, एक एक दो तीन बार देखने को मिलेगा, इसलिए जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यह भी गलत हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, या तो आपका जो है पहला पहला और तीसरा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यह दोनों दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 आता है, यह है दोस्तों रिलेशनशिप से। कल ही हमने दोस्तों जो है इसको किया है, इस प्रकार के प्रश्नों को हमने कल किया था, यानी कि एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, तो जी सी का भाई है, तो जी का मामा या चाचा कौन है। तो जी का मामा या चाचा कौन है दोस्तों, यह आपने देखना है। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, यह क्या है आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न को दोस्तों मैं नहीं करूंगा क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था, यदि आप समझ गए होंगे तो आप इसका आंसर उसका आंसर दे दोगे, अगर यदि आप नहीं समझे तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम जो है इसे आसानी से कवर कर लेंगे। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आता है कि यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो कल हमने चर्चा की थी दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी प्रकार से 8 दिसंबर 2007, डी ई सी, 8 दिसंबर 2007 और 8 दिसंबर 2006। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लीप ईयर काउंट करनी है, ये सेम दिया है, इसको आप कट कर लोगे। अब 2007 2006 यहाँ पर दोस्तों कितने का मिलेगा, एक साल का आपको अंतराल देखने को मिलेगा, एक साल का। और अब देखते हैं दोस्तों इसमें लीप ईयर है कि नहीं है। इसमें 2007 को अगर आप लास्ट के दो डिजिट, इन दोनों डिजिट को 4 से भाग दोगे तो यह जो है डिवाइड नहीं होगा, 7 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 6 को भी भाग दोगे, 0 6 को 4 से भाग दोगे तब भी वो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि भाग नहीं जाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है लीप ईयर नहीं है, यानी कि यह आपकी कौन सी है, नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, एक का अंतराल है। यहाँ पर क्या दिया है, शनिवार है, तो 8 दिसंबर को क्या है, शनिवार। तो आपको क्या करना है, शनिवार माइनस एक करोगे तो कौन सा आएगा दोस्तों आपका, शुक्रवार। माइनस क्यों करेगा दोस्तों, क्योंकि हमसे जो है पिछला पूछा है, यानी कि पहले 2007 से 2006 का पूछा है, हमसे पिछला पूछ रहा है। अगर आगे का पूछता तब हम प्लस करते, यहाँ पर हमसे जो है दोस्तों पिछला पूछा गया है, इसलिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो जहाँ पर भी आपको शुक्रवार देखने को मिले वो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 आता है, यह दोस्तों यह भी है आपका रिलेशन से संबंधित है। इस प्रश्न को मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि यह प्रश्न जो है इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है, क्या कहा, कि इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। तो क्या कहा दोस्तों, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक ने कहा कि इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। तो आदमी का इस स्त्री से, चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है। तो क्या करना है दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बात करें तो इसमें इसने क्या दिया हुआ दोस्तों, यानी कि यह दोस्तों एक आदमी, यह यहां पर एक आदमी है, काफी सुंदर आदमी है, ये हंस मुख रहा है। यह जो है एक तस्वीर, यानी कि एक स्त्री की ओर इंगित कर रहा है। यहां पर एक स्त्री है, यहाँ पर हम एक स्त्री बना लेते हैं, ये इसके बाल है हल्के फुल्के, यहाँ पर ये इसने साड़ी पहन रखी है। इसकी ओर दोस्तों इंगित करते हुए यह कह रहा है, एक आदमी से कह रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, किसी अन्य आदमी से कह रहा है दोस्तों, यह अन्य आदमी है। तो यह क्या कह रहा है इस व्यक्ति से, जो इसकी जो माँ है, तो माँ हम इसको ऊपर रख लेते हैं, और इसकी माँ जो है क्या है,
मेरे पिता की माँ है, यानी कि इसके पिता की, किसकी, यह अपनी बात कर रहा है, मेरे पिता की माँ है, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है, यानी कि यह जो है इसका पिता है। पिता, पिता की माँ कौन सी दोस्तों, यानी कि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो है पिता की माँ है। तो जो है आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, तो इससे क्या संबंध है दोस्तों इसका, इससे क्या संबंध है, इससे क्या संबंध है, जब इसकी भी माँ है, इसकी माँ की माँ, जब इसकी भी यह माँ है और पिता की भी यह माँ है, तो इन यह दोनों तो दोस्तों आपस में भाई बहन हो गए, यानी कि माँ और माँ, यह दोनों आपके जो ऊपर वाले हैं, यह दोनों तो आपके भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। तो इस पिता का जो बेटा है दोस्तों कौन है, इस पिता का बेटा ये लड़का है, इसको हम यहाँ बना लेते हैं, और इस माँ का बेटा दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर पिता की दोस्तों ये बहन है और पिता का यह बेटा है, तो पिता की, तो इस बेटे की यह क्या लगेगी दोस्तों, बुआ लगेगी, क्या लगेगी, बुआ लगेगी, और बुआ की जो बेटी है वह इसकी क्या लगेगी, वह बहन तो लगेगी, इसकी बहन लगेगी, और इसकी जो यह बुआ की बेटी बहन लगेगी, इसकी जो है यह बुआ की बेटी बहन लगेगी, और इस बुआ की बेटी का जो यह क्या लगेगा, मामा का लड़का लगेगा, मामा का भाई लगेगा, यानी कि ममेरा भाई लगेगा, इसका तो भाई लगेगा और इसकी यह बहन लगेगी। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ममेरा भाई। इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप दोस्तों यह समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आप अच्छी तरह से इसे समझ पाओगे। तो अगला जो आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9 आता है कि एक व्यक्ति योग कर रहा है, ठीक है, योग कर रहा है, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, और उसका सिर नीचे और पाँव ऊपर की तरफ है, ठीक है, यह भी सही है, शीर्षासन यह भी मैं करता हूँ 5 मिनट, वह भी कर रहा है, तो ठीक है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो वाह भाई पश्चिम की ओर है, मेरा मुंह तो पश्चिम की ओर नहीं होता क्योंकि, और उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। हाँ, तो एक व्यक्ति योग कर रहा है, उसका मुंह जो है पश्चिम दिशा की ओर है, पैर ऊपर की ओर है, तो हम सबसे पहले आदमी बना लेते हैं, ये इसकी आंखें हैं और ये इसकी यहाँ पर मुंह है, और ये दोस्तों यहाँ पर इसने दोनों टांगे खड़ी, यानी कि ये इसने यह जो है जमीन के बल लेटा हुआ है, पैर खड़ा है, तो सही है, इसका जो मुंह है किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है, जब इसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा, तो पश्चिम दिशा की ओर होगा दोस्तों, यह जो है पश्चिम दिशा की ओर होगा, जो जो इसका जो ये बायां हाथ है वो किस दिशा की ओर होगा, फिर बायां हाथ इसका दक्षिण दिशा की ओर होगा, और इसका जो दायां हाथ है दोस्तों वो किस दिशा की ओर होगा, तो जो बायां हाथ है दोस्तों दक्षिणी, यह जो इसका बायां हाथ है यह किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर होगा, किस दिशा की ओर होगा दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर होगा, ये तो दोस्तों आपका पूर्व हो गया, और ये दोस्तों आपका पश्चिम हो गया, यहाँ पर आपका ये उत्तर हो गया, और ये दोस्तों आपका दक्षिण हो गया। तब ये पूछ रहा है दोस्तों कि इसका जो दाहिना हाथ है, तो जो ये वाला हाथ है वह किस दिशा की ओर होगा, तो किस दिशा की ओर होगा, यह जो है किस दिशा की ओर होगा आपका, उत्तर दिशा की ओर होगा, किस दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कल मॉर्निंग में जैसे ही सूरज आएगा तो आपको क्या करना है, सूरज की तरफ खड़ा होना है, मुंह सूरज की तरफ नहीं करना है, जबकि पीठ आपको सूरज की तरफ करनी है और मुंह आपका पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, तब आपको जो है दोनों हाथ का पता लग जाएगा कौन सा हाथ किस दिशा में है। ओके गाइस, यदि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो आपको कल सुबह क्या करना है, शीर्षासन करना है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आता है, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर किसकी दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। तो यहां पर दिया हुआ है कि 6 व्यक्ति PQRSTU कहां पर बैठे, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, पी जो है क्यू के सामने बैठा है, क्यू जो है टी के दाहिने ओर तथा आर बाईं ओर बैठा है, तो पी यू के बाईं ओर तथा एस के दाईं ओर बैठा है, तो आर के विपरीत कौन बैठा है। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो क्या कहा गया, जैसे जैसे ऊपर कहा गया है आपको वैसे वैसे करना है, यानी कि आपको जो है अपनी डिज़ाइन वैसे वैसे नीचे तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, इसने क्या दिया हुआ दोस्तों कि पी क्यू आर एस टी यू वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं दोस्तों, एक वृत्ताकार घेरा बना लेते हैं, तो ठीक है हमने बना दिया एक गोला, वृत्ताकार करता होता दोस्तों गोला, तो गोला बना दिया। इसने क्या कहा है, जो
पी है वो क्यू के सामने बैठा है, आमने सामने बैठा है दोस्तों। अगर वृत्त में बैठा है तो माना पी कहाँ बैठा है, पी। अगर पी यहाँ बैठा होगा तो इसके सामने कौन बैठा होगा दोस्तों, यहाँ पर क्यू। और इनका मुंह किस तरफ होगा दोस्तों, मुंह जो है इनका केंद्र की तरफ होगा, किस तरफ होगा, इस तरफ जो है इन सबका मुंह होगा। अगर इस तरफ इनका मुंह होगा तो बाएं, और दाएं किस साइड होगा दोस्तों, इसका बाएं आपको किस साइड देखने को मिलेगा, ऊपर को, और इसका जो दाया है नीचे को, और इसका बायां दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इधर को, और इसका जो दाहिना हाथ होगा इधर इस साइड होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पी बैठा है, यहाँ पर जो दोस्तों आपका यहाँ पर क्यू बैठा है, यानी कि आमने सामने बैठे हैं। अब क्या कह रहा है, जो क्यू है वो टी के दाहिने ओर बैठा है। तो जो क्यू टी के दाहिने ओर बैठा है, तो क्यू बैठा है टी के दाहिने ओर, तो टी कहाँ पर बैठा होगा दोस्तों फिर। तो ठीक है दोस्तों, क्यू टी के दाहिने ओर बैठा है, यानी कि अगर टी यहाँ पर बैठता तब इसका दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ पर इस साइड बाएं हो जाता है, इस साइड दाएं हो जाता है। तो टी को हमें क्या कहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर बैठाना होगा। अगर हम टी यहाँ पर बैठाएंगे, जब इसका मुंह केंद्र बिंदु की ओर होगा, तो इसका जो ये दाया हाथ होगा, यहाँ पर इसका बायां हाथ होगा। तो टी हम यहाँ पर बैठा देते हैं। अब प्रश्न क्या कर रहा है, दाहिने और आर आर के बाएं ओर बैठा है, किसके ओर, बाएं ओर, आर के बाएं ओर बैठा है। जो क्यू है वह जो है टी के दाहिने ओर, टी के दाहिने ओर और आर के बाईं ओर बैठा है। तो क्यू कहाँ बैठा दोस्तों, टी के तो दाहिने ओर बैठा है और आर के बाईं ओर बैठा है। तो आर को हम कहाँ लेंगे दोस्तों, आर यहाँ पर लेंगे। क्यों, क्योंकि यह आर का जो है बायां इस साइड होगा और दाहिना इस साइड होगा, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। अब पूछ रहा है तो जो है पी यू के बाईं ओर बैठा है, तो पी कहाँ बैठा है, यू के बाईं ओर। तो ठीक है, पी जब यू के बाईं ओर बैठा है, अगर हम यहाँ पर यू लेते हैं तब जो है यू का यह जो है दायां हाथ हो जाएगा और यहाँ बायां हाथ हो जाएगा, क्योंकि इनका मुंह सबका किस साइड है, टेबल की साइड है। तो हम कहाँ बैठाएंगे पी यू को, यू को दोस्तों हम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर। अगर हम यू को यहाँ बैठाएंगे तब दोस्तों इसका जो है यहाँ पर जो ये बायां हो जाता है, यहाँ दायां हो जाता है, यानी कि यह पी जो है यू के बाईं ओर बैठा है। तो इसके बायां कौन बैठा है दोस्तों, पी बैठा है, तो ये भी सही है, बाईं ओर, तथा एस के दाईं ओर बैठा है। पी जो है यू के बाईं ओर तथा एस, एस के दाईं ओर। तो एस कहाँ होगा दोस्तों, आपका यहाँ पर होगा एस। पी जो बैठा है वह जो है यू, प्रश्न को आप समझिए दोस्तों, पी जो बैठा है यू के बाईं ओर, ये यू बैठा है दोस्तों, इसके बाईं साइड कौन बैठा है, पी बैठा है, और एस के दाएं साइड, दाएं एस का दाया किस साइड होगा दोस्तों, इसके दाएं साइड पी बैठा है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें ढूंढना है दोस्तों कि आर का विपरीत कौन बैठा है, तो आर के विपरीत कौन बैठा है दोस्तों, तो कौन बैठा है दोस्तों आर के विपरीत, इस प्रकार ये सभी बैठे हैं। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा जूम आउट करके हम बना लेते हैं, यह थोड़ा हमने प्रश्न सॉल्व भी किया इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। अब जो है दोस्तों इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार हम गोला बनाएंगे, तो पी और क्यू यह दोनों आमने सामने बैठे थे। अब आता है कौन सा आता है दोस्तों, यहाँ पर आर और टी, आर और यू ये दोनों साथ में आएंगे, और टी और एस ये दोनों साथ में आएंगे। तो यहाँ पर हम आर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम दोस्तों क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम आर के साथ क्या लेंगे दोस्तों, यू लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम क्या लेंगे, एस यहाँ पर आएगा, और जो है टी दोस्तों आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये है दोस्तों आपके छह लोग, दो चार छह लोग यहाँ पर इस टेबल में बैठे हुए हैं। सभी का मुंह किस साइड है दोस्तों, आपको केंद्र बिंदु की ओर देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, जो आर का अपोजिट कौन होगा, एस का अपोजिट तो टी होगा, पी का अपोजिट क्या होगा, क्यू बैठा है। तो आर का अपोजिट कौन बैठा है दोस्तों, यहाँ पर आर के साइड कौन बैठा है, यू बैठा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है सभी जो रीजनिंग के सवाल हैं आपको सॉल्व करने होते हैं। तो यह है दोस्तों महत्वपूर्ण जो रीजनिंग के सवाल है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों आपको इनको हल्के में नहीं लेना है। इसी प्रकार से जो है अगर आपका पुलिस का पेपर हो, पटवारी का हो, किसी का भी हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो, आर ओ का हो, इसी प्रकार से दोस्तों आपको सवाल देखने को मिलेंगे, आपको जो है इन्हें अच्छे से देख लेना है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको, अगर वीडियो कैसी लगी आपको, क्या अगर आपको प्रश्न समझ में आए दोस्तों तो कमेंट कीजिए। यदि आपको प्रश्न जो दोस्तों समझ में नहीं आ रहे हैं, अब मेरे मतलब समझाने का तरीका जो मेरा अलग है, या मुझ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप
कमेंट कीजिए, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो दोस्तों फिर भी आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको किसी प्रश्न में अगर आपको त्रुटि नज़र आए तो आप भी फिर भी आप कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, इसी प्रकार के मज़ेदार प्रश्न रहेंगे और आपकी रीजनिंग दोस्तों बहुत ही आसान हो जाएगी एग्ज़ाम तक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।